मॉर्निंग, टाइम हुआ है 8:30। तो आज हम लोग यहाँ से मोक्षिंग से आगे की तरफ निकलेंगे। तो उठते उठते लेट हो गया, अभी बस बैग्स वैग सब पैक हो गया, चाय पी गए यहाँ से, फिर निकलेंगे आगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद लिफ्ट मिल गया है और ये दादा ने लिफ्ट दे दिया है, लेकिन दादा को हिंदी समझ में नहीं आती और मैं भी समझा नहीं पा रहा हूँ, तो बस हम लोग साइन लैंग्वेज में ये करके बात कर रहे हैं। दादा ने थोड़ा बहुत समझ लिया तो मेरे को छोड़ दे रहे हैं यहाँ से 10-15 किलोमीटर तक। नागालैंड में ना आके थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ क्या करना है करके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इतना कम कनेक्टिविटी है नहीं और कहाँ से कहाँ जाना करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेन तो अभी अपन को कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल देखना है और आज 24 हो गया तो और 5 दिन है, तो 5 दिन कैसे निकालूंगा अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इधर उधर गाँव ये घूम रहा हूँ तो इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, मतलब नागालैंड का इस कॉर्नर साइड में देखने के लिए, और कुछ कुछ एरियाज ना या तो आसाम से घुसने के लिए आसान हो जाता है या तो अरुणाचल प्रदेश से घुसने के लिए, तो नागालैंड के थ्रू ही होके कुछ कुछ जगह नागालैंड का नहीं घुस सकते, वो चीज़ आने के बाद पता चल गया है, देखते क्या होता है। वो नागालैंड में यू हैव दिस काइंड ऑफ कल्चर वे जहाँ पर ना छोटा सा दुकान जैसा है एंड दुकान के उसमें हर चीज़ में प्रोडक्ट में प्राइस लिखा गया है और आप बस वो प्रोडक्ट उठाओ, पैसा यहाँ डिपॉजिट कर दो, फिर आगे चलो। सो मच ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ लेकिन दिस विलेज हैज। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन इम्पोर, आई थिंक दिस चर्च डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 150 years बैक, एंड क्रिश्चियनिटी had come to Nagaland around that time, like almost 150 years back. So this place is so beautiful, like it's so well maintained, kept clean, like you have houses here, then you have school down there, like I can still hear the voices of the children there, and like so well maintained, so clean. And then you go downwards towards the downside of Nagaland, it's so dusty and everything. So द प्लेस इम्पोर जहाँ 150 years पहले क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ था, तो क्रिश्चियनिटी वॉज स्टार्टेड बाई अमेरिकन बैप्टिस्ट फॉरन मिशनरी यहाँ पर। तो दिस इज़ अ प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड दिस देर यूज बी अ बनियान ट्री राइट हियर विच वॉज लाइक लेटर अपरूटेड बाई द स्टॉर्म। तो इफ यू सी दिस इज वेयर they're celebrating 180 years of Christianity in Nagaland. भी हो गया, 6 बज गया, अंधेरा हो गया है बाहर भी, तो टेंट वेंट लग गया है। तो नागालैंड का आज उगमा का एक गांव है, वहाँ पर हूँ मैं आज। तो ठीक ही था दिन, मतलब घूम घूम लिया, तो इसका ब्लॉग तो आ ही गई डिटेल वाला। तो वही है, अभी टेंट वेंट हो गया, खाना वाना हो गया, अभी बस सोएंगे आराम से और कल सुबह यहाँ से आगे निकल जाएंगे।